हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब क्लासेस, आपकी कोचिंग क्लासेस। ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है हमारा टॉपिक। ये सेशन चल रहा है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, और इसी सेशन में हम बात कर रहे थे आपका कि 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4। आपका ये चल रहा है आपका 8.4। तो हम इस वीडियो में फ्रेंड्स करने वाले हैं एनसीईआरटी के जो सोल्यूशन है वो करेंगे, ठीक है। प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। प्लस क्या करेंगे, हम आपको पता होना चाहिए वीडियो में क्या आप देखने वाले हो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। हमने अभी प्रूफ वाले क्वेश्चंस किए थे कुछ आपने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, यूपी के लिए, आईसीएसई के लिए, ठीक है। अदर जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एनआईओएस होता है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को आपको अच्छी लगती है तब, ठीक है। आप हमारे फेसबुक पेज आरती क्लास पे भी जाके वहां सारे सॉल्यूशंस और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा वो लास्ट पार्ट आप देख सकते हो मैथ्स का। देखिए 10θ 1 माइनस cot थीटा प्लस, देखिए संकेत यहाँ लिखा है, पेपर में ऐसे संकेत नहीं आते हैं आपको एग्जाम में, बुक का है ये, एज इट मैंने क्वेश्चंस को लिख दिया है, ठीक है। कल कुछ नॉइस आ रही थी, आज शायद आपका रिमूव हो जाए। तो बोला गया है कि 10θ 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस 10θ इक्वल 1 प्लस sec थीटा एंड cosec थीटा, ठीक। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन है, मैंने कल आप क्या बताया था आपको नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो चल रही थी उसमें, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब आपको tan और cos दिख जाते हैं, इसको चेंज करना होगा sin cos में। चलिए चेंज करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, तो उसमें है tan थीटा 1 माइनस का cot थीटा प्लस cot थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस tan थीटा, ठीक। अब देखिए इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको पता है tan क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आपने अभी तक फॉर्मूले को याद नहीं कर रखा तो उसे प्लीज याद करिए, बिना उसे कुछ नहीं होगा। cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, और ये सारे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बोला था सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot थीटा का cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस tan का क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। ये बात समझ में आई आपको, साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा आप लोग भी, इससे क्या होगा आपको अच्छा होगा, आसानी होगी, आगे चल के आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए देखिए, मैं इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ठीक है। खत्म करवाने का तो एक ही वीडियो में सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके नीचे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ऊपर ऐसे लिख लेंगे हम, जैसे है साइन थीटा ऊपर है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे क्या करेंगे हम, इसे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा ये आपका नीचे साइन थीटा हो जाएगा, साथ में ये प्लस का प्लस ही रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा ये cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा ये cos थीटा माइनस का sin थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये cos थीटा। ये बात यहाँ से समझ में आई आपके। अब देखिए इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा यहाँ पे देखिए ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक एक स्टेप समझिए कैसे करेंगे, साइन थीटा अपॉन, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है इसका, इसे रिवर्स करेंगे, साइन थीटा नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, समझिए इसे अच्छे से, साइन थीटा यहाँ रहेगा ऐसे, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और ये कॉस कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। ऐसे इसका हो जाएगा, इसका क्या लिख देंगे हम, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या होगा आपका, cos थीटा माइनस का sin थीटा, ठीक। यहाँ क्या कर देंगे, फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस का, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, sin थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस का sin थीटा, ठीक। यहाँ तक आया सुना आपके, इसको उठा देता हूँ आगे से, उसके बाद करते हैं इसे। चलिए देखिए, ठीक, इसके बाद एक करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये, ओके ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। चलिए थोड़ा इसे हटा देते हैं, हटाने के बाद क्या होगा हम लिखेंगे यहाँ पे, चलो ये हट जाएगा, यहां से लिखते हैं, आप जी नोट करते चलिए, साथ साथ नोट करते रहेंगे तो आपको भी अच्छा होगा, ठीक।
क्योंकि नोट्स जो होते हैं अपने हाथ के जो लिखे हुए होते हैं वो ज्यादा हमें समझ में आते हैं इन कंपेरिजन टू द किसी कोई कॉपी कर ले या फिर पीडीएफ दे दो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप फेसबुक पेज पे कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसे सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए हमें। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना हो गया यहाँ तक समझ आ गया आपके। अब देखिए यहाँ पे जो था आपका ये साइन, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, फिर से इसका एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा प्लस का, यहाँ माइनस का है, यहाँ पे क्या है आपका सेम थिंग क्या है लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में, सेम थिंग क्या है आपका रिवर्स में, तो यहाँ माइनस भी कॉमन ले लेंगे और इसका एलसीएम भी ले लेंगे साथ साथ। इससे क्या होगा आपको इजी हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा इसका, यहाँ पे कॉस का इधर मल्टीप्लाई साइन का इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे देखिए क्या बचेगा कॉस थीटा और साइन थीटा। साइन कौन सा है, साइन ये वाला कॉस, ये कॉस और ये वाला साइन दोनों एक साथ लिख दिया, और ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहाँ से माइनस लिया था ना, ये साइन पहले आ जाएगा कॉस बाद में चला, ये साइन पहले आ गया कॉस बाद में चला गया, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखिए आप मुझे बताइए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो आपको ये भी याद होने चाहिए सर, नाइन्थ वाले फॉर्मूले हैं। यहाँ पे क्या होता है ए माइनस का बी सेकेंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिससे नहीं पता है उसे लिख लेना, लिख दिया मैंने इसीलिए यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा फिर से ये साइन क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे इसे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए एक मिनट रुकिए भाग जाता है पीछे, यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा फिर ये, चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, यहाँ पे लिखेंगे हम इसे तो देखो a माइनस बी, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये a का स्क्वायर मीन्स साइन का स्क्वायर, ठीक यहाँ पे क्या हो जाएगा ये साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, ठीक कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर ये बात। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका ऐसे ही रहेगा ये कॉस साइन साइन कॉस है, इसको लिख देते हैं इस तरीके से जैसा है ये ऐसे लिख दिया हमने, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इतनी इस बात समझ में आ गया आपके। अब देखिए ये साइन कॉस ये साइन कॉस फिनिश हो जाएगा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए सारे फॉर्मूले बनते चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वो वन हो जाएगा, इसे वन करके हटा देंगे वहां से, और ये करके आप तो करोगे ना लॉजिक तभी आएगा, जब हम खुद करते हैं तब देखने से नहीं आते, देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, और जब आप वीडियो देखा करो खाली देखा ही मत करो, कॉपी पेन उठा के उसे सॉल्व करने की कोशिश भी किया करो, सॉल्व करोगे तो अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप ये जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, जितनी जल्दी फिनिश कर लोगे आप रिवाइज करवा दूंगा उतनी जल्दी, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना नया। चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा ये साइन कॉस फिनिश हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा वन, इन दोनों का प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बच जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन सेपरेट कर लेंगे इसे, अलग अलग लिख लेंगे साइन थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या वन आ जाएगा फिनिश होगा, तो यहाँ पे क्या वन अपॉन कॉस क्या होता है वन अपॉन कॉस सेक थीटा होता है, वन अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा प्लस का क्या हो गया वन, ये क्या आ गया आपका आरएचएस आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको उसमें नहीं आता कमेंट करते हैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं आता वीडियो को आप रिवाइज कर लिया करो पीछे करके थोड़ा देख लिया करो, ठीक है रिवाइज भी हो जाएगा क्वेश्चन का आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, जब आपको इस टाइप क्वेश्चन दिख जाए वन प्लस सेक ही दिया हुआ है यहाँ पे, सेक इसे डिवाइड भी कर रखा है इन्होंने, ठीक। हम क्या करेंगे यहाँ पे एलएचएस आरएचएस के साथ अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, एक ऑप्शन क्या है आपका हम एलएचएस को अलग सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला आप करना मैं एक साथ ही कर देता हूँ, आरएचएस को अलग सॉल्व कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, ठीक क्योंकि कोई आपका पेपर में हो सकता है दिया हो उस टाइप से, लेकिन हम वैसे करेंगे आपको ना एलएचएस लेते हैं एलएचएस को सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है एलएचएस लेते हैं, एलएचएस क्या है हमारा दिया हुआ वन प्लस सेक ए, वन प्लस सेक ए यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे इसे, क्या करेंगे फिर सेक को चेंज करो आप, तो वन अपॉन सेक क्या होता है कॉस ए का उल्टा होता है, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन, ये भी क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ऊपर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वन डिवाइड बाई कॉस ए हो जाएगा, नीचे क्या है वन अपॉन कॉस ए, ठीक ये बात समझ आएगी आपके इतने। चलिए अब क्या कर देंगे इसका
हम कर देंगे इसे, चलो इसे रिवर्स करेंगे, फिर से रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, ठीक देखो आप इसे रिवर्स करेंगे तो जैसे रिवर्स करोगे तो रिवर्स अच्छे से लिख के करा करो आप, कॉस ए प्लस वन नहीं तो आप गलत कर दोगे फिर गलती रहेगा वो, कॉस कॉस ए है यहाँ पे कॉस लिख देंगे इनटू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए है ठीक है, थीटा नहीं है ए है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर इसका कॉस ए, नीचे क्या हो जाएगा आपका ये, नीचे क्या आ जाएगा वन, कॉस ए फिनिश हो जाएगा, कॉस ए फिनिश, ऊपर क्या बचेगा देखो कॉस ए प्लस वन बच गया, नीचे क्या है वन, हम क्या इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, वन माइनस कॉस ए, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो यहाँ पे चाहिए वन माइनस कॉस ए चाहिए, वन माइनस कॉस ए चाहिए, कर दिया हमने, अब क्या हो जाएगा जब इसे करोगे तो, जैसे इसे हमने करा तो ऊपर क्या हो जाएगा ए, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ये, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा आपका ये वन माइनस कॉस ए हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए नीचे क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस ए, आ गया आपका ये क्या हो गया आर एच एस आ गया, नहीं आ गया आर एच एस आ गया, इसको आपने इस तरीके से करना आर एल एच एस को अलग सॉल्व करना, आर एच एस को अलग नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा, ये आपका मस्त बढ़िया मेथड है ये, ठीक है आपके बुक में ही बोला गया कि एल एच एस और आर एच एस अलग अलग सॉल्व कर लो, हमने ऐसे कर लिया सॉल्व, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे मेथड है इसके करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है अब मैं कुछ ना आपके लिए क्वेश्चन लेके आया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, उसे भी सॉल्व करेंगे हम, देख लेते हैं जल्दी से क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर, आप बताइए वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है आपका, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों होते हैं आपके सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर, इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देते हैं इसका, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन, ठीक अब साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर लिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो जाके, वहां पे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है इसके, ठीक है एक साथ आप सारे पार्ट एक बार देख भी लेगा, बीच में रिवाइज होता रहेगा। अब देखो कॉस स्क्वायर 20 प्लस 70 आपको मान नहीं दिया डायरेक्ट 90 हो रहा है, इनको ऐड करने पे जोड़ने पे नीचे भी क्या 90 हो रहा है, हम क्या करेंगे किसी एक को चेंज कर देंगे, पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, पहले वाले को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस का 70 बीसी होगा वो, ठीक कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, कॉस स्क्वायर 70 इसको ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर इतना, साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर 59 को क्या लिखते हैं 90 माइनस का 31, एक कोई चेंज करना है कि चाहे जिसको चेंज करो आप, साइन स्क्वायर 31 हो जाएगा, अब नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस का कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70, नीचे क्या हो जाएगा फिर साइन 31 है तो क्या हो जाएगा ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 31 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 31। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, नीचे क्या हो जाएगा 1, तो दोनों 1 फिनिश हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, इसे नोट करके आप अपने आप से भी करना और अच्छे से क्लियरिटी बनती रहेगी आपको करने में। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे, इसका मान ज्ञात करना है, क्या करना है इसका, इसका मान निकालना है किसके बराबर है, ये मान ज्ञात करना है आपको, मान ज्ञात करेंगे तो कैसे हो जाएगा कॉस 4a माइनस का साइन 4a, ये है दिया हुआ आपका, सॉल्व करते हैं जल्दी से इसे, इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉस 4a माइनस का साइन 4a, कई सारे अच्छे क्वेश्चन भी हैं आपके ये, ठीक है टिक वाले हैं, लेकिन टिक को सॉल्व करो तभी टिक लिखेगा नहीं तो गलत हो जाएगा वो, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस 4 होता है, देखो कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, बात बराबर पड़ गया ये, अभी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, क्योंकि वीडियो काफी अच्छी चलती है क्वेश्चन बहुत सारे करवाने होते हैं, a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b और a माइनस का b, लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, ठीक यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो कॉस a प्लस साइन a क्या हो जाएगा ये, देखो फॉर्मूला आपको सारे बेसिक वाले याद होने चाहिए, नहीं याद होंगे फिर काम नहीं हो पाएगा, ठीक है सारे फॉर्मूला आप लर्न कर डालो अच्छे तरीके से, इसका वन हो गया इस ब्रैकेट का, यहाँ का क्या हो जाएगा कॉस a
प्लस साइन ए, दोबारा लगा दिया वही फॉर्मूला फिर से, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए, अब किसके लिए लगाया, कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक। अब देखो कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, अब ऑप्शन देखो ऐसे दिख रहा है क्या आपको, ऑप्शन ऐसे है ही नहीं है कि, हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सॉल्व हो जाएगा, ये वन हो गया आपका, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, तो ऑप्शन है ही नहीं उसका उस टाइप से, तो ऑप्शन ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा, ऑप्शन वाइज टिक टिक लगा रहे हैं ना हमें, तो टिक लगाने पर करना पड़ेगा हमें, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट। देखो कॉस स्क्वायर ए, साइन को हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉल्व करेंगे अच्छे से क्या हो जाएगा, कॉस कॉस क्या हो जाएगा टू, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का टू कॉस स्क्वायर ई, माइनस साइन में दोनों ऑप्शन सेम सेम लग रहे हैं आपको, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही है, डी, क्योंकि हमारा क्या है निकल के टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन, इसे तुक्का नहीं लगा सकते, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है हमेशा की तरह। आपके लिए क्या है, ये एस डब्ल्यू है, एस डब्ल्यू से क्वेश्चन करने आपको करके फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे आपको कमेंट करके बताना है आपने कितने क्वेश्चन कर लिए। अभी तक मैंने कई सारे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी एक दिन क्या करूंगा सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा मैं, सारे जितने भी एस डब्ल्यू है आपके पार्ट वन से लेकर के, पार्ट वन से लेकर के अभी का लास्ट जो पार्ट आपका है ये, यहाँ तक सारे कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए आप कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वी वांटेड, थैंक यू।